Good morning, everyone. बहुत लंबी वेकेशंस हो गई ना. आप में से कौन कौन से बच्चे जिनके आज फर्स्ट क्लास है? आई थिंक यू अटेम्प्ट दिसंबर, कमिंग दिसंबर 18. सो आई होप यू मस्ट बी नोइंग दैट इन टूडे इज दिस स्लॉट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पेपर जर्सपेडेंस इंटरप्रिटेशन एंड द जनरल लॉज. दैट इज द पेपर नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 के अंदर आप सब जानते हैं कि चार पेपर्स है. पहला पेपर यही है जो आज हम स्टार्ट अभी करने जा रहे हैं. एंड द सेकेंड स्लॉट विल बी सेटिंग अप द बिजनेस एंटिटीज एंड द क्लोजर. एंड थर्ड स्लॉट विल बी द कंपनी लॉ. एंड द फोर्थ स्लॉट विल बी टैक्स लॉज. इज दैट क्लियर? तो आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पेपर कॉल्ड जुरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड द जनरल लॉज. ये एक तरह से देखा जाए इट्स अ न्यू पेपर. न्यू इन द सेंस दैट कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी है, न्यू सिलेबस में भी है. बट दिस पेपर वॉज नॉट देयर इन द ओल्ड सिलेबस. सम पोर्शन ऑफ दिस पेपर वॉज देयर इन द ओल्ड सिलेबस, बट एज सच फुल फ्लेज्ड पेपर ऑन जनरल लॉज इट वॉज नॉट देयर इन द ओल्ड सिलेबस. इट इज देयर ऑल इन द न्यू सिलेबस. सो आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पेपर. Jurisprudence, interpretation and general laws. At a first glance, we are getting the three terms in the name of the paper. The first term is that is the jurisprudence. Second term is interpretation and third is that is the general laws. Because the contents of the paper is like that. Accordingly, the name of the paper is Jurisprudence, Interpretation and the General Law. Now, question is, what is the meaning of the term Jurisprudence? What is the meaning of the term Interpretation? And what is the meaning of the term in the General Laws? Thoda sa usse discussion karne se aapko ek idea lagega ki sab is paper mein hum kya cover karne ja rahe and how these things are relevant from the point of view of our profession, that is the profession of company secretary. Kaise ye sab cheeze help karti hai, matter karti hai. After discussing that, एक बात आपको मैं बताऊंगा. I think institute ने बहुत अच्छा किया है कि पहले मॉड्यूल में पहला पेपर ये डाला है. Because if you know the concept of interpretation, general laws, that will help you understanding the more specific law like company law, like taxation laws, like the capital market laws. वो आपको बहुत बेटर तरीके से हेल्प करता है. ये सब चीजें हेल्प करती है उसे समझने में. बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ओल्ड सिलेबस में जनरल लॉज का जो थोड़ा नॉट कम्प्लीट जो भी पोर्शन सिलेबस में इट वॉज इन मॉड्यूल 2. आई थिंक दैट वॉज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस. सीक्वेंस इसका हमेशा पहले होना चाहिए क्योंकि अनटिल अनलेस यू नो द जनरल लॉ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक लॉज. एंड स्पेसिफिक लॉज को समझने में जनरल लॉज काफी हेल्प करते हैं. इंटरप्रिटेशन काफी हेल्प करती है. एंड दैट्स वाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत अच्छा किया उन्होंने. फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट पेपर ये है. एंड ये पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली और पेपर्स को पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी. लॉज जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे इस पेपर की वजह से दिस विल बी अ हेल्पिंग टूल इन अंडरस्टैंडिंग द अदर लॉ पेपर्स. And that's why I think paper number 1 in module 1, this paper, I think that's a very good step taken by the ICSI. Anyway, I start with the term jurisprudence. Ki sab jurisprudence kya hota hai? In very simple language, I can say that jurisprudence is basically, it is a subject where we study about philosophy of law. Study about the philosophy of law. Under jurisprudence, what we study actually, अगर आपने हिंदी में एक टर्म सुना होगा विचारधारा. इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट.
स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब वो स्कूल का मतलब वो मत समझ लेना कि जो आप स्कूल पढ़ के आए हैं. मतलब बेसिकली स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग ऑन द सेम मैटर एंड ऑल द पीपल हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग दे बिलोंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट. अदर पीपल मे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग ऑन द सेम मैटर ऑन द सेम इशू दे बिलोंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट. इट्स कॉल्ड द अलग अलग विचारधाराएं ऑन द सेम मैटर. और ये हर सब्जेक्ट में होता है, इट्स नॉट ओनली लॉ, हर चीज में होता है. जैसे थोड़ा अगर आपको आइडिया हो, हैव यू हर्ड अबाउट रोमिला थापर? नाम सुना है? शी इज अ ग्रेट हिस्टोरियन एंड जेएनयू में प्रोफेसर भी है. अब कभी है ना, कोई जैसे कोई चीज होते कहीं पे कुछ खुदाई हुई, कुछ चीजें निकली, तो रोमिला थापर का एक व्यू होगा, दूसरे हिस्टोरियन का अलग व्यूज होगा कि साहब इससे ये पता लगता है कि उस समय इस तरह की चीज थी, उस एजेस में ऐसा था. What is that? अगर different historians are giving different views on the same thing, it means they belong to same school of thought, different school of thought. Different. ये हर चीज में होता है. हर चीज में अलग अलग विचारधाराएं होती है, एक ही मैटर के ऊपर सेम विचारधारा नहीं होती. डिफरेंट. अच्छा ये डोंट यू थिंक द बीजेपी फॉलोज वन पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट एंड कांग्रेस फॉलोज अनदर स्कूल ऑफ थॉट? ये सुनो, इट मीन विचारधारा ही, अलग अलग विचारधारा है. तो हर चीज में होता है, इट्स नॉट ओनली लॉ. Everywhere we have different school of thought on the same matter, on the same issue. सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, समझने का नजरिया अलग अलग होता है. जैसे आप देखोगे हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ट्रेडिशंस के मामले में बहुत रिजिड होते हैं. नहीं, खासकर बुजुर्ग लोग होते हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन अब मैं देखता हूँ जैसे नई जनरेशन आ रही है, बोलते हैं नहीं उसके पीछे जो एसेंस वो पूरा होना चाहिए, चाहे ट्रेडिशंस कैसे भी फॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डोंट यू नाउ दैट चेंज दे शिफ्ट, अब वो थिंकिंग बदल रही है, लोग अब डिफरेंट तरीके सोच रहे हैं. अब लोग बोलते हैं नहीं, जो एसेंस है वो इम्पोर्टेंट है, नॉट द ओनली सिम्बॉलिक. पहले के लोग कहते सिम्बॉलिक चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ये ऐसे ही होना चाहिए. अन्य बोलते हैं रेस्पेक्ट, बोलते हैं जरूरी नहीं कि आप रोज पैर छुए करें, दिल से रेस्पेक्ट होती. लेकिन पहले के लोग क्या होते, आज भी दोनों को अगर बड़े को देख के पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं करे, यार बदतमीजी, इसको रेस्पेक्ट ही नहीं. वो सिम्बॉलिक जाता, चाहे वो पीछे से गाली दे रहा हो, लेकिन सामने उसको पैर छूना जरूरी है, क्योंकि पुराने लोग इसी को ज्यादा मानते हैं. तो डोंट डू द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग. कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं कोई जरूरी नहीं कि सब चीजें करना, बट क्वेश्चन ही दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए. चीज वही है, क्वेश्चन ही, बट रिस्पेक्ट करने का तरीका अलग अलग है. एक बंदे के थिंकिंग के साथ रिस्पेक्ट ऐसे ही होती है, दूसरे बंदे के तरीका सोचने का तरीका अलग है. एग्जैक्टली मैंने खाली मेरा आइडिया व्हाट द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक इज दैट कि सब विचारधाराएं हर जगह होती है, हर जगह होती है, और एक ही चीज में डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराएं होती है. एंड सिमिलरली वेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इन द रिलेटेड लॉ, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड जुरिसप्रूडेंस. थोड़ा सा मैं आइडिया और देना चाहूंगा. आई थिंक फाउंडेशन में थोड़ा सा आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, शायद आपको एक टर्म नहीं बताया गया हो, बट आपको थोड़ा सा जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ते हो, और उसमें आपने पढ़ा होगा एक नाम पढ़ा सैलमन, आई थिंक कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा सा, सैलमन, ऑस्टिन, याद आ रहा है, सेविग्नी, ठीक है. अरे देवर लीगल थिंकर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए अबाउट द लीगल लॉ पार्ट. अच्छा क्या उनकी सेम चीज पे विचारधारा सेम थी, डिफरेंट थी? डिफरेंट थी. इट मीन दे बिलोंग टू सेम स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, बिकॉज एक्चुअली दे हैड अ डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग ऑन द सेम मैटर. वो जो आप एक्चुअली का फाउंडेशन है, बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता. अभी मैं जुरिसप्रूडेंस पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं खाली पेपर का नाम बता रहा हूं, इससे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि फिलोसफी समझने के लिए यू नीड मेच्योरिटी. ये जो जुरिसप्रूडेंस का जो चैप्टर इस पेपर के अंदर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग. अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, स्कूलिंग कंप्लीट होती है, हम ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, दैट इज अ बेसिकली बैचलर डिग्री, चाहे आप बीएससी करें चाहे बी करें, बैचलर डिग्री. देन मास्टर्स, उसके बाद क्या होता है, एमफिल. फिलोसफी वहां आती है, मास्टर ऑफ फिलोसफी. आप मास्टर्स के बाद आती है एमफिल, क्यों बाद में लेते हैं? बिकॉज फिलोसफी समझने के लिए बहुत आपकी अच्छी मेच्योरिटी, एक लेवल होना चाहिए. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी. वो अलग बात है कि आपके फाउंडेशन में सिलेबस, वो क्या होता है, सिलेबस डालने वालों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं. आप इस पेपर के अंदर पहले चैप्टर के अंदर जुरिसप्रूडेंस देखा, बट वो चैप्टर में पहले नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप इस लेवल में उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. उसके लिए आई नीड थोड़े कुछ चैप्टर्स हम पढ़े, आपको एक सर्टेन लेवल आए, एक सर्टेन मेच्योरिटी, देन विल डिस्कस अबाउट इट. ऑब्वियसली कवर तो करना ही है, बट नॉट इन द वेरी बिगनिंग, बिकॉज उसके लिए अब दोनों एमफिल फिलोसफी, वहां भी हम सब्जेक्ट सिर्फ फिलोसफी पढ़ते हैं. एक्चुअली सारी चीज फिलोसफी से ही चलती है. अरे जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते होंगे, मैं सब्जेक्ट से कोई कंटेंट पढ़ाता हूं, साथ में उसके रैशनल लॉजिक क्यों बनाया गया, इसके वजह क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज दैट, फिलोसफी. वी आर गोइंग टू फिलोसफी ऑफ दैट. लेकिन फिलोसफी समझने के लिए नीड द मेच्योरिटी. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी फ्रॉम द डे वन, नॉट पॉसिबल. बट थोड़ा सा क्योंकि पेपर का नाम में आ रहा है,
make आपने सैलमन से भी वो दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग ऑन द सेम इशू एंड दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. वो अलग अलग स्कूल एंड ये सब चीजें डिस्कस की जाती है ना पेपर कॉल जुरिसप्रूडेंस. जैसे आप में से जब कभी एलएलबी करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीएस के साथ एलएलबी करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सीएस, एलएलबी के अंदर 100 मार्क्स पेपर ऑन जुरिसप्रूडेंस, उसमें ऑन द सेम मैटर की साहब एक वन स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स थे उनकी क्या ओपिनियन थी, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स थे उनमें सबके नाम आएंगे, उनका बैकग्राउंड आएगा, फिर ये आएगा वो कैसे सोचते थे. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हैव यू हर्ड अबाउट अ टर्म कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट समझते कितने लोग समझते जहां हाथ खड़े करें? चलो फील फ्री, कोई बात नहीं, आप यहां सीखने आए हैं, डरना नहीं है, हमें नहीं आता कोई बात नहीं आता, सीखने तो आए हैं, सब कुछ आता था फिर यहां क्यों आते, आए यहां पर सीखने के लिए. हैव यू हर्ड अ टर्म कैपिटल पनिशमेंट? जिसने भी सुना है, कुछ बच्चे भी हाथ खड़े कर रहे थे. Yes. What is the meaning of the term capital punishment? President क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोलिए ना, death penalty is capital punishment. Death penalty को किसी को अगर सजाए मौत दी जाती है, that is called capital punishment. एक term है capital punishment. Capital punishment का मतलब ही होता है death penalty. कौन दे रहा है उसे मतलब नहीं, क्वेश्चन ही, death penalty is the capital punishment. ठीक है, ये टर्म यूज होते हैं बहुत जगह, यू शुड नो अबाउट दैट, अखबारों में भी यूज होते हैं. अब कई बार एक सवाल उठता है कि साहब किसी ने अगर सर्टेन ऑफेंस किया, कुछ गलत किया, तो क्या उसे कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कैपिटल पनिशमेंट कंसेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये एक इश्यू है, एक मुद्दा है. नाउ देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट इफ सम पीपल डज सच काइंड ऑफ हाइनस क्राइम्स, इतने गंदे इतने गिरे हुए क्राइम्स करते हैं, इतने बुरा कहते थे खतरनाक क्राइम करते हैं, ऐसे केसेस में उनको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. एंड दैट स्कूल ऑफ थिंकर्स बिलोंग द थिंकर्स बिलोंग इन दैट स्कूल ऑफ थॉट दे से दैट बट इंडल्जिंग इनटू सच काइंड ऑफ हाइनस क्राइम्स दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस सोसाइटी. ऐसा बंदा समाज में रहेगा तो समाज में और प्रॉब्लम क्रिएट करें, दैट्स व्हाई दैट पर्सन शुड बी टर्मिनेटेड, हिज लाइफ शुड बी टर्मिनेटेड एंड ही शुड बी गिवन द कैपिटल पनिशमेंट. एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि साहब कि कुछ नॉट इन एवरी बट हाइनस क्राइम बहुत सी, जैसे हम कैन आई टेक द केस ऑफ निर्भया केस, दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, कैसे रोड पे दौड़ा दौड़ा के बस के अंदर, मतलब गैंग रेप, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस, ऐसा लगता है वो जानवर हो गए हैं, वो इंसान रहने के, वो दोज पीपल कैन नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन बींग्स, बिकम एनिमल्स एंड वो ड्रेडेड जो वाइल्ड एनिमल्स होते वो बन गए हैं. तो बोलते ऐसे लोग, वो तो आप जानते हैं उसके अंदर बहुत सारे अदर इश्यूज थे, जुवेनाइल का इश्यूज था एंड ऑल दैट. अब वो मालूम है उसके बाद जुवेनाइल लॉज बदल गए, आफ्टर दिस इंसिडेंट जुवेनाइल लॉज हैव बीन अमेंडेड. ठीक है, मतलब तो बिलो 18 होते हैं ऑल दैट, ठीक है, उसमें काफी चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. एनीवे, अब ये कितना सीरियस मुद्दा है कि किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं एंड ऐसे लोग को आपको बहुत सारे केसेस बीच में आपने, एंड वो नोएडा में केस सुना होगा आपके, दैट वॉज अ आई थिंक कॉली करके देयर वाज अ मैन, उसके घर से कितने बच्चों की डेड बॉडीज के और स्केलेटन्स मिले थे आपको, ठीक है, एंड अ वेरी सीरियस क्राइम, कितने बच्चों को उसने मार दिया था आपको, ठीक है, एंड बोला ये इस तरह के बड़े हाइनेस क्राइम्स है. तो ऐसे केसेस में एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि दैट पर्सन डजेंट डिजर्व टू रिमेन इन टू एग्जिस्टेंस सोसाइटी, दैट पर्सन शुड बी टर्मिनेटेड, एंड ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट कैपिटल पनिशमेंट होना ही नहीं चाहिए. अब देखिए सेम मुद्दा है, whether capital punishment should be there or it should not be there. One school of thought, thinkers belonging to one school of thought, that it should be there in certain heinous crime. Why? Because that person should not remain into existence. He will create more problem. उसे समाज से हटा देना चाहिए. अब ये एक school of thought की thinking है. दूसरे school of thought की क्या thinking है? अगर किसी को वो बोलते हैं कि साहब capital punishment किसी भी case में नहीं होना चाहिए, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, capital punishment नहीं होनी चाहिए. Why? They say that कैपिटल पनिशमेंट, सॉरी पनिशमेंट का पर्पस क्या होता है? गलती की उसकी सजा देने लिए, उसका पर्पस क्या होता है? वो तो ठीक है, टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, रिफॉर्म, उस बंदे में बदलाव लाना, दैट्स अ पर्पस, दैट्स अ पर्पस ऑफ द बेसिकली पनिशमेंट. लेकिन अगर उसको मार ही दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा? वो बंदा तो खत्म हो गया, आपने ट्रांसफॉर्म कहां किया? अनदर स्कूल ऑफ थॉट विल से दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज इफ इट इज देयर हाउ विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दैट पर्सन शुड बी इन एग्जिस्टेंस. उनकी अपनी थिंकिंग है. अब देखिए सेम इशू है, एक स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है
ऐसा होना चाहिए, एक बोलता है नहीं, सबका अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना लॉजिक है, वो भी लॉजिकली सही, ये भी लॉजिकली, एंड इस तरह से हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं ऑन सेम इशू, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थिंकिंग, थिंकर्स कौन कौन है, वन स्कूल ऑफ थिंकिंग को कौन बिलोंग करते हैं, कौन उनके नाम आएंगे, वो सब चीजें हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कॉल्ड ज्यूरिसप्रूडेंस। अच्छा ये क्या फिलोसफी जी पढ़ रहे हैं बेसिकली, व्हाट इज द फिलोसफी, एंड इन सिंपल टर्म्स यू कैन से दैट ज्यूरिसप्रूडेंस इज सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट द फिलोसफीज ऑफ लॉ एंड द डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ लॉ ऑन द सेम इशू, एंड अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट को अलग अलग थिंकर्स उनके नाम उनके बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल दैट, दैट इज अ ब्रॉड आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस। आई थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ज्यूरिसप्रूडेंस किसे कहते हैं, एंड एक्चुअली बताऊं सही मायने में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इजी चीज नहीं, क्योंकि फिलोसफी है ना, मतलब फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, फिलोसफी पे बेसिस पे प्रोविजन बना दो वो आसान होता है, अभी कहता है एमफिल बाद में होती है, ग्रेजुएशन मास्टर्स पहले होती है फिलोसफी को, क्योंकि फिलोसफी को समझना चाहिए। मैं एक छोटा सा कल चीज बताऊं, नॉर्मली हमारे सोसाइटी के अंदर एक चीज बोलते हैं, आई एम जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल फिलोसफी को समझाने के लिए, यू शुड प्रे टू गॉड, इफ यू आर हिंदू यू शुड गो टू टेम्पल, इफ यू आर मुस्लिम यू शुड गो टू अ मॉस्क, ठीक है, इफ यू आर क्रिश्चियन यू शुड गो टू अ चर्च, समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस, के पीछे क्या फिलोसफी, टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग्स, दैट इज द फिलोसफी। अब ये बोले ना कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है, समझ नहीं आता, रोज मंदिर जाना है, टीका चंदन लगाना है, समझ में आता है, ये इजी है, वो मुश्किल है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं इफ योर कंडक्ट इज नॉट गुड, इवन यू आर गोइंग टू टेम्पल ऑन रेगुलर बेसिस, कंडक्ट इज नॉट गुड, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत काम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, तो आपका सारा मंदिर जाना फेल हो जाता, क्यों, यू आर गोइंग अगेंस्ट द फिलोसफी, उसके पीछे फिलोसफी जो है वो तो फेल हो गई ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो बोलते हैं कि सब आजकल क्या होता है हमारे सिस्टम में, बहुत कम लोग फिलोसफीज ऑफ लाइफ समझते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली टेक द सिंबॉलिक थिंग्स, मंदिर जाना, अच्छा मंदिर जाना बहुत आसान काम है। अच्छा कभी आपने देखा होगा जितने भी आजकल सत्संग होते हैं, मैं ये सब चीजें वो सब फिलोसफी से रिलेटेड ही है, जितने भी सत्संग होते हैं पर्पस क्या होता है, अच्छा इंसान बनना, अच्छी फीलिंग्स डेवलप करना, सद्भाव बोलते समझो, गुड फीलिंग्स फॉर एवरीवन एंड सद्भाव। लेकिन आपको लगता है कि सब लोग ये सत्संग अटेंड करके ऐसा कर रहे हैं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है लोग सत्संग करके और एरोगेंट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग 100%, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्यों, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, साहब हम सत्संग करते हैं, मैंने देखा उन लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, तो बस इसका पर्पस हैज फेल्ड, फिलोसफी हैज फेल्ड, इतने सत्संग, अच्छा देखो आपने नोट किया होगा डे बाय डे रिलीजियस गुरु बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हुए ना, बढ़ी जाए, मॉर्निंग में चैनल खोली, हर आदमी ने अपनी दुकान को लगा रखी, एक नया चैनल, एक नया बंदे ने दुकान लगा रखी है, लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन ही सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, मेरा क्वेश्चन था क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सिंबॉलिकली काम हो रहा है, बट उसके पीछे अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है फिलोसफी वो फेल हो रही है, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, क्या वो आपके गुरु को मानते उसको फोटो लगा ली, रोज उसको अगरबत्ती दिखा रहे, वो गुरु क्या कह रहा है उसको फॉलो नहीं करते, वो क्या कह रहा है उसे फॉलो नहीं करते, क्वेश्चन अल्टीमेटली फिलोसफी इज फेल्ड। सही गुरु होगा ना, पता क्या बोलेगा हमें, सर कि आप मेरी फोटो मत लगाओ, आप मेरी पूजा मत करो, लेकिन वो फॉलो करो जो सही है, वो सही गुरु है, लेकिन लेगा गुरु में भी ईगो बहुत है, उसको भी क्या होता है, आप देखते हो लोग किसी गुरु जी की आजकल तो बोलने की होती है, एक से केस हुए, आसाराम राम रही, पता नहीं कितने केस हुए, ठीक है, एंड किसी का देना एक बर्थडे सेलिब्रेशन का, मैं दिल्ली में देखे हुए पूरा रोड जाम, सारा प्रोसेशन निकल रहा है, अच्छा बट ही सेटिस्फाइंग इज ईगो, इज ट्राइंग टू शो हिज स्ट्रेंथ, मेरे इतने फॉलोअर्स है, बट क्वेश्चन यू आर कॉजिंग द प्रॉब्लम टू एवरीवन, तो आप तो बहुत एरोगेंट आदमी हो, आपकी तो बहुत हाई ईगो है, कारण के जो प्रीच करने वाला वही सही नहीं है, वहां भी दिक्कत है, और जो सही प्रीच करने वाला होगा ना, बहुत कम, बहुत अब बहुत, वो कभी भी नहीं बोले मेरी फोटो लगाओ, मेरे ये करो, मेरे वो करो, कभी नहीं बोले, कारण के अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि हमें अच्छी चीजों को फॉलो करना, अच्छा उससे ही समाज में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट क्वेश्चन उस पर लोग ध्यान नहीं दे, फिलोसफी फेल हो रही है। तो मेरा कहना था फिलोसफी को समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है, लोग ऊपर की बात को पकड़ लेते हैं, अच्छा हर आदमी बोलता है यार किसी का नुकसान मत करो, या किसी का बैड फीलिंग्स मत रखो, अच्छा मन बोलता है ऐसा है कि कहीं ना कहीं ख्याल आ जाते हैं सबके साथ है, बट उसमें कंट्रोल रखना, भाई उसको मैं प्रमोट नहीं करूं,
जैसे मन में ख्याल है नहीं यह गलत बात है मुझे ये नहीं करना, लेकिन हम उसको जब प्रमोट करते हैं अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन, हमें जहां जाना चाहिए हम उसका उल्टा जा रहा है। अच्छा ये करते रहते हैं लिंक या तो ऊपर से दिखाते हैं हम बहुत भगवान को मानते हैं, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, बट कुछ नहीं, वो सब सिम्बॉलिक बातें हैं। अल्टीमेटली फिलोसफी, इसे तुमने कभी सुना होगा, बहुत बार की बात उठती है यार वो तो बड़ा भगवान को मानता था उसकी रोड एक्सीडेंट में कैसे डेथ होगी। आप खाली सिम्बॉलिकली बातों को मान रहे हैं, आप अल्टीमेटली उसकी वजह अच्छा था बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं योर डीड शुड बी गुड, कंडक्ट शुड बी गुड, अगर वो अच्छा नहीं है भले आप कितनी ही पूजा कर ली इट इज नॉट एक्सेप्टेड, भगवान भी बोलते हैं वो पूजा। फिलोसफी है बेसिकली इसके पीछे, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फिलोसफी, इसलिए बोलते हैं फिलोसफी हायर लेवल की चीज है। बट जिसने एक बार फिलोसफी समझ ली ना लाइफ की और हर एस्पेक्ट में, वो बंदा सही माने में वो मेच्योर्ड है, वो चीजों को समझता है इधर सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी किसी बंदे किसी ने किसी को बोला, होता है कई लोग आपस में कुछ इश्यूज होते हैं, तो मान ली ए और बी दो लोग हैं, ए घर में कोई फैमिली फंक्शन था उसने बी को इनवाइट किया, कुछ आपस में डिफरेंस है बट अदरवाइज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, लेकिन बी आ सकता था लेकिन बी की स्पाउस के साथ कुछ ज्यादा इश्यू था वो शायद नहीं आती, और हो सकता वो बी को भी रोकती कि तुम भी मत जाओ, हो गई। ए ने उसको बोला कि भैया मैं आपको बहुत दिल से इन्वाइट करता हूं आप आओ पूरी फैमिली आओ, लेकिन आपके आने से घर में कलह होता तो मत आना। व्हाट इज द फिलोसफी? फिलोसफी बेसिकली तुम मुझे खुश करने के लिए आ गए बट अपने घर में लड़ो मैं नहीं चाहता, लेकिन सामने वाले उसको उल्टा भी नहीं ले लिया, आप तो बोले मेरे घर में कलह। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे बाद में क्या कह रहे हो, वट इज ट्राइंग टू से कि मुझे खुश करने के जगह अपना घर मत खराब करना, समझ में दायर चीज को समझने के तरीके होते हैं, आप सही तरीके से। एक मेच्योर्ड आदमी ऐसे बोलेगा कि साहब मेरे खुश करने के चक्कर में अपने घर में बहुत प्रॉब्लम है, वो अच्छा नहीं लगेगा, बेटर आप वहां ठीक कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मैं आई अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी मजबूरी है। तो हर चीज में फिलोसफीज होती है, फिलोसफी को समझोगे वही चीज जुरिस्प्रूडेंस कहता। अब जो लॉ की फिलोसफी जिस सब्जेक्ट में उसको एक नाम दे जुरिस्प्रूडेंस, एंड मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया कि साहब ये क्या होता है, आई डिस्कस इन डिटेल एट ए लेटर स्टेज, मैंने बताया थोड़ा सा मैं एक स्टेज क्रॉस करता हूं उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अबाउट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड एक चैप्टर आपका सोर्सेज और लॉ, सोर्सेज और लॉ के अंदर ही जुरिस्प्रूडेंस कवर कर रखा है। आप देखो देयर इज नो सेपरेट चैप्टर कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस, कोई चैप्टर का नाम कहीं नजर नहीं आएगा जुरिस्प्रूडेंस, बट देयर इज फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लॉ, इन दैट चैप्टर इटसेल्फ अ कंसेप्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैज बीन डिस्कस, जिसका मैंने एक ब्रॉड एक आइडिया दिया अकॉर्डिंग बिकॉज द टर्म इज अपीयरिंग इन द नेम ऑफ द पेपर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब कैपिटल पनिशमेंट वाली बात मैंने बताई, जो सेम मैं एक एग्जाम्पल उसको और देना चाहूंगा, किरण बेदी का नाम सब जानते हैं, नोन एज सुपर कॉप, यू नो आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, शी वॉज द फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर। अब तो बहुत वीमेन आईपीएस ऑफिसर है, मतलब शी वॉज द फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर। अब जान सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं, शी वॉज द फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर। एक बार जो दिल्ली में तिहाड़ जेल है उसका उसे हेड भी बनाया गया था, पहले की बात है। मैंने बताया एक पनिशमेंट का पर्पज है ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक दैट वन स्कूल ऑफ थ्योरी ये कहती है। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के अंदर ऐसे ऐसे मेजर्स लिए थे, मतलब ऐसे ऐसी चीजें कर दी थी कि साहब जो आम आदमी जो कि आपको बाहर है वो चीजें नहीं फॉलो करता, वो आपके कैदी फॉलो कर रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स उनको बदल दिया। उसके लिए किरण बेदी को मैगसेसे अवार्ड मिला था, एंड शी वो उसने काम बहुत किया है, मतलब रोज सुबह उठ के सारे कैदी योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और इतने अच्छे प्रॉपर नीट एंड क्लीन कपड़े पहन रहे हैं, मतलब उनका कंडक्ट इतना सुधार दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो देखा जाए जो भी बंदा अंदर उसने क्राइम्स किए तिहाड़ जेल आप जानते हैं, एंड अब उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो शी हैड दैट थिंकिंग, वट इज द पर्पज ऑफ पनिशमेंट? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, अब दुनिया को कई बार क्या होता है, टिपिकल जो एक माइंडसेट है जेल में और मारते बैठते हैं, तो उससे क्या होता है बंदा और ड्रेडेड क्रिमिनल बन जाता है, जब भी छूटेगा दो साल पांच साल दस साल के बाद वो और खतरनाक क्रिमिनल बन जाता है। क्यों? सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प नहीं की, उसको और खराब कर दिया। अच्छा घर में देखते हो किसी बच्चे को, कोई बच्चा जिद करता है, हम उसको मारते पीटते देखना, वो और जिद्दी हो जाता है, होता है सर। हम क्या उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, उल्टा क्या कर रहे, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो क्या करे, वो भी और अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन समझदार आदमी कहता है बच्चे को समझो, उसके माइंडसेट को समझो, वो क्या चाहता है, उससे बातें करो, हो सकता है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। किरण बेदी ने कमाल कर दिया था, मतलब तिहाड़ जेल में बोलते हैं। अब होता है एक प्रोडक्ट आते हैं मार्केट के अंदर,
टीजे कुछ करके आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट, तिहाड़ जेल के वहां के जो कैदी है वो लोग बनाते हैं, मार्केट में उसे प्रॉपर सेल होता है। ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है ना, प्रगति मैदान में जो लगता है आपका, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर काउंटर उनका भी होता है तिहाड़ जेल वालों का। और डिफरेंट जैसे अगरबत्तियां हैं, सोप है, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, जूट के बहुत सारे मटेरियल, वो मतलब पूरा वहां पे काम होता है। अब ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन किरण बेदी ने एक सिस्टम बना दिया था जब शी वाज हेडिंग द तिहाड़ जेल, इसको बोलते हैं चेंज। ये एक डिफरेंट थिंकिंग है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जेलर क्या होता है, मारते पीटते जाते हैं, यही काम करते हैं। एनीवे, आई होप अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जुरिसप्रूडेंस। नाउ कमिंग टू इंटरप्रिटेशन, सी रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द मीनिंग, टू फाइंड आउट द मीनिंग, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसको मैं कैसे बोलूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, तब क्या हो जाए, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन लॉज बेसिकली टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ, अच्छा नहीं बोलते, आई एम इंटरप्रिटिंग सो एंड सो सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आई एम इंटरप्रिटिंग सो एंड सो सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मीन्स वॉट, इंटरप्रिटिंग मीन्स वॉट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग, यस नो, मैंने इंटरप्रिटेशन मतलब टू फाइंड आउट द मीनिंग। तो आप कभी भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, या कोई टीचर लॉ पढ़ा रहे हो, कहते हैं वी आर इंटरप्रिटिंग द लॉ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लॉ। नाउ क्वेश्चन इज, व्हेनेवर वी आर इंटरप्रेटिंग एनी लॉ, कोई भी लॉ को हम इंटरप्रेट कर, अच्छा बताइए, जुरिसप्रूडेंस जो मैंने थोड़ा बताया, क्या जुरिसप्रूडेंस का जो कंसेप्ट है, टू फिलोसफीज पढ़ते हैं, और कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो क्या बीच में फिलोसफी समझानी पड़ती है, तो क्या अल्टीमेट जुरिसप्रूडेंस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द अदर लॉज और नॉट? यस, आई मानता हूं ये पेपर ऐसा है, सपोर्टिंग पेपर होगा टू एवरी लॉ पेपर, क्योंकि हर जगह कंपनी, जो बच्चे मेरे से पहले कंपनी लॉ और अदर सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, देखो मैं फिलोसफी पढ़ाता रहता बीच में, इसके बीच में क्या फिलोसफी, अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू जुरिसप्रूडेंस पार्ट, आई एम गोइंग टू द जुरिसप्रूडेंस पार्ट, एंड अभी मैंने जुरिसप्रूडेंस स्टडी फिलोसफी ऑफ द लॉ। नाउ इंटरप्रिटेशन देखिए, व्हेनेवर स्टडीइंग एनी पेपर ऑफ लॉ, अल्टीमेटली वी आर डूइंग द इंटरप्रिटेशन, यस नो? वी आर डूइंग द इंटरप्रिटेशन। नाउ आपको क्या लगता है, इंटरप्रिटेशन में कुछ रूल्स होते होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे या नहीं? अच्छा, आप जब कोई लॉ को पढ़ते हो, इट जैसा प्लेन इंग्लिश, और इट इज मोर देन दैट, मोर देन दैट, इट्स नॉट अ प्लेन इंग्लिश, बहुत सारी चीज होती है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, इंग्लिश में चीज बोला जाता है, कोई भी चीज टर्म है उसके आगे नॉन लग जाए तो उसका अपोजिट मीनिंग हो जाता है। जैसे इसी पेपर के अंदर एक टॉपिक आएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसी पेपर के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी, वहां पे एक टर्म आएगा बेल, तो सुनोगे बेल, एक टर्म बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब बोलते हैं कि वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम द एलिगेशंस आर देयर, जिसको एक्यूज बोलते हैं, आरोपी, जिसमें आरोप लगाए गए, हैज अ राइट टू गेट द बेल, उसका अधिकार है बेल मिलना। अच्छा, नॉन बेलेबल का मतलब क्या होना चाहिए इंग्लिश के हिसाब से, बेल जहां नहीं मिले, बट दैट इज नॉट द लीगल मीनिंग। द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक इज दैट लॉ इंटरप्रिटेशन इज नॉट प्लेन इंग्लिश। अगर नॉन के साथ इंग्लिश में तो ही बताया था कि साथ नॉन लगे तो उसका उल्टा मीनिंग हो गया, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब सीआरपी ने देखा वेयर द एक्यूज भी जिसपे आरोप लगाया गया, जो आरोपी है, ही कैन अप्लाई फॉर बेल टू द कोर्ट, वेदर ही विल गेट द बेल और नॉट, दैट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ही मे और मे नॉट, बट बेलेबल ऑफेंस में इट इज हिज राइट, कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, कोर्ट मना नहीं कर सकता, कोर्ट को देना ही पड़ेगा। लेकिन नॉन बेलेबल ही कैन अप्लाई, ही मे और मे नॉट गेट द बेल, दैट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब इंग्लिश के हिसाब से तो मीनिंग कुछ और था, बट लॉ के हिसाब से क्या है, कुछ और है। इसका तो लॉ इज नॉट प्लेन, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ,
मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम लॉ के टीचर्स, बच्चे थोड़ी लॉ के टीचर्स, लॉ को प्लेन इंग्लिश बना रखा है। लॉ में क्या है, वहां तो क्या होता है, लैंग्वेज होती है, वो पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बट दैट इज नॉट द लॉ। मैं तो हमेशा बोलता हूं अगर लॉ वैसा होता तो हर अंग्रेजी का मास्टर लॉ पढ़ाएगा। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट ही करना लॉ अगर है, एवरी इंग्लिश टीचर वुड हैव बिकम लॉ टीचर। दैट्स नॉट द राइट अंडा, हर इंग्लिश टीचर को कोर्ट में खड़ा कर दो, वकील बना दो उसको, लॉ इज प्लेन इंग्लिश, बोल दो साहब आप कर लो केस, आप फाइट कर लो। लॉ इज मच मच मोर देन दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन वी आर डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, उसके कुछ नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एंड If you don't know the principles or the rules, can you do the correct interpretation? Interpretation to find the meaning. But question that meaning should be correct or incorrect? Correct. That's the right interpretation. In order to be right interpretation of the law, do we need to do the only find out the meaning or the correct meaning? Correct meaning. In order to get the correct meaning, do I need to follow certain rules or principles given under the law? Yes or no? Is that ye rules hai, principles hai, jisko follow karke aapko interpretation karna hai. Acha, law banata kone? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सारी चीज आती है। अच्छा, स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो भी लॉ बनाता है। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कंपनी लॉ के पेपर में। अल्टीमेटली लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाते समय भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, और आप उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप इंटरप्रेट करेंगे, are you finding out the same meaning which the legislature has thought at the time of making the law? Yes or no? Legislature usne jo principles follow kiye hain wo aapko pata hi nahi hai, you don't know that, and you are doing the interpretation. Will it be right interpretation, wrong interpretation? Wrong interpretation. So in order to do the correct interpretation, whatever the principles or the rules which have been followed by the legislature at the time of making the law, if I am also following the same principles while interpreting the law, I will be doing the right interpretation. Otherwise I will be doing the wrong interpretation. तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल्स और रूल्स जानना बहुत जरूरी है? यस नो? एंड विदाउट नोइंग दैट, तो इंटरप्रिटेशन जो पोर्शन आपके इस पेपर के अंदर है उसमें एक चैप्टर आपको देगा इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब एक्ट, एक्ट को दैट इज लॉ, उसको इंटरप्रेट करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, सारी चीजें हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एंड क्या वो चीजें हमें हर लॉ को इंटरप्रेट करने में मदद करेगा। यस नो? अगर मुझे प्रिंसिपल्स ही नहीं पता, रूल्स ही नहीं पता, क्या होगा? आई एम ओनली डूइंग द प्लेन रीडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दैट। और मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं जो लॉ पढ़ते हैं, वो भी यही कर रहे हैं, इसलिए देखना मैक्सिमम लॉ बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं है। कारण क्या, आप कर क्या रहे हैं? करना कुछ है, कर क्या रहे हैं? करना कुछ, और आप एक्चुअली किस डायरेक्शन में चलना, आप डायरेक्शन लेस हो गए, आप किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू नो कि सब एक्चुअली सही क्या है और मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स और रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी, यू शुड नो अबाउट दैट प्रिंसिपल्स और रूल्स। इसी का प्रिंसिपल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड पूरा एक चैप्टर है आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड दैट विल डिस्कस इन डिटेल। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 इज देयर। एंड एक बात बताऊं आपको, हैरान है, अनफॉर्चुनेट बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस एंड दे आर डूइंग इंटरप्रिटेशन, एंड द इंटरप्रिटेशन बीइंग गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। तो इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं सोचते थे आप? मैं छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा 5 × 2 = 10, मैंने यहां लिखा, आपको समझ आ गया? अच्छा, मेरी बात क्या इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो गई? मैंने एक यहां कैलकुलेशन की, आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो गई? ये सुनो, क्यों कम्युनिकेट हो गई? मैं आपसे रीजन पूछता हूं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो गई? बिकॉज आई एम फॉलोइंग सर्टेन रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाइल राइटिंग दैट, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड दैट मेरी बात आप तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रही है। ये सुनो, आपने भी रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़े हैं, मैं भी वही फॉलो कर रहा हूं, तो मैं आपको बताते समय फॉलो करके लिख रहा हूं, आप समझते समय उसको फॉलो करके समझ रहे हैं, तो मेरी बात आप तक इफेक्टिवली पहुंच रही है। अच्छा, सोच के देखिए, अगर आपको रूल्स ऑफ एक बच्चे को जो बहुत छोटा बच्चा हो, मान लिया 3-4 साल का बच्चा हो, उसको समझ आएगा? क्यों नहीं समझ आएगा?
देखो मैं तो अप्लाई कर रहा हूं बट उसे पता ही नहीं है. एग्जैक्टली दैट सिचुएशन. लॉ मेकर्स लॉ बनाते समय सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके लॉ बनाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला उस प्रिंसिपल के बारे में जानता ही नहीं है तो क्या पढ़ रहा है वो. मैं बहुत पैथेटिक मैं लोगों को देखता हूं ना, टीचर्स को नहीं पता जो लॉ पढ़ा रहे हैं, दे डोंट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. वो इंग्लिश की तरह पढ़ाते हैं और अनफॉर्चुनेटली सबको मैसेज क्या दिया गया. उसका भी रीजन बताता हूं. बीकॉम में जो थोड़ा बहुत लॉ होता है ना, होता है ना फर्स्ट ईयर सेकंड जो भी आपको होता है, वहां पे गंदगी फैला दी जाती है दिमाग में. क्या अच्छा तूने टीचर से पूछे थे बीकॉम के टीचर, सर ये पढ़ रहे हैं लॉ में प्रोविजन किसे भी जगह. अच्छा सर बीकॉम में सच बताना लॉ के बारे में क्या एक जनरल नोशन है, ये तो थ्योरी है, ये तो रटने का है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट है, पागलों से बात कर रहे हैं, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं, एकदम बेतुलते बेवकूफ. कारण क्या, टीचर को ही कुछ नहीं पता तो वो यही करेगा ना. मैंने लॉ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भी यू शुड बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत नॉलेजेबल पर्सन. कल एक लड़की मिली, शी एक्चुअली कोई मेरी बहुत पुरानी कोई स्टूडेंट थी, अब तो मैरिड वेडेड ऑफ कोशिश सेटल इन कैनेडा, उसकी छोटी सिस्टर है, शी इज एम कॉम, छोटी सिस्टर जो है बी एड, शी इज फ्रॉम एलएसआर कॉलेज, वहां से उसने एलएसआर जानते दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज में नाम आता है, एंड आफ्टर दैट शी डिड द बी एड एम कॉम, ठीक है, और अच्छा मतलब ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया था तभी कैंपस में उसको 40,000 की जॉब ऑफर मिल गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते. शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, फिर भी क्या बोलते हैं सर आपकी आप लोग क्लास में आके मैं कुछ और सीखना चाहती हूँ. समझने वाला समझना था कि वो क्या चीज, आपको क्या चीज कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वही और कहानी होती है, रट लो एग्जाम में जाके लिखाओ, पता ही नहीं एक्चुअली सच्चाई क्या है, पता ही नहीं है. लॉ के बारे में अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, लॉ के बारे में मैक्सिमम लोग के नोशन ही गलत है, सर ये तो रटने का सब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. कपिल सिब्बल का नाम सुना ना, क्या है लॉयर है ना, वो तो कोई जोड़ घटाव नहीं कर रहा ना, जो जोड़ घटाव की दुनिया में लोगों को लग रहा है पता है क्या कर रहे हैं, ठीक है, पता है कपिल सिब्बल के बारे में बोलते हैं ही अर्न्स मोर देन 1 crore rupees पर डे, पर डे. अरे ये तो डिस्क्लोज इनकम है, हिंदुस्तान में अनडिस्क्लोज ही होता है ना. अब वकील आदमी है तो वकील आदमी आप जानते हैं, पॉलिटिशियन अलग है. तो क्या लीगल को क्या मतलब, लीगल को समझ क्या रखा लोगों ने, बट प्रॉब्लम क्या होती है, लीगल को समझने के लिए बहुत ब्रेन चाहिए और ब्रेन के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी. अच्छा लॉ किसके लिए बनता है, सोसाइटी अल्टीमेटली, हमें तो अल्टीमेटली सारी चीज सोसाइटी में अप्लाई करनी है, बट अनफॉर्चुनेट चीज क्या, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत लोग, बहुत कम लोग है जो अच्छे सोसाइटी को समझते हैं. बाकी सर जैसे अच्छा मान लीजिए से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको सोसाइटी के बारे में ज्यादा कुछ पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, यू कैन अंडरस्टैंड. आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कितना यूज है, बहुत कम यूज है, ठीक है. हाँ ऑल दो आप साइंटिस्ट बनना चाहे तो अलग बात है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लॉ तो अल्टीमेटली हर सोसाइटी में हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, देन अंडरस्टैंड द लॉ, आपको अपने आप बहुत मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. मैं जो बच्चे पहले जानते हैं उनको, जैसे नौ बच्चों को लगता ना लॉ थ्योरी है ये नॉदर, खासकर जो नए बच्चे उनके लिए बताता हूँ. माई बैकग्राउंड आई एम बीएससी मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ कॉमर्स ग्रेजुएट, एंड आई वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर इन मैथ्स ऑनर्स, देन आई स्टडीड लॉ LLB CS मैंने दोनों किया. आई फाउंड दिस सब्जेक्ट आर मोर टेक्निकल देन मैथमेटिक्स, जिसको आप कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट को बच्चे बोलते हैं ना, ये ज्यादा टीचर्स भी बोलते हैं ना जहां कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ होता ही नहीं. अच्छा ही मैथ्स में 2+2 हमेशा 4 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते, ना 3 हो सकते, ना 3.5 हो सकते. मेरे दादाजी ने, उनके भी दादाजी ने, या मैं या मेरे बच्चे और आगे वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ते, वो फिक्स है, दैट कैनॉट बी चेंज. बट क्या लॉ में क्या इंटरप्रिटेशन सिचुएशन के हिसाब से करनी पड़ती है, यस मोर डिफिकल्ट, कि साहब यहां पे किस फिलॉसफी पे प्रोविजन बना है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन होगी, एंड अलग अलग सिचुएशन के लिए फिलॉसफी बदल जाती है, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मैंने स्टडी दिस इन ए टेक्निकल मैनर, तो मुझे लगा यार मैथ्स इन ग्रेजुएशन वी हैड 18 पेपर ऑफ मैथ्स, 4 इन फर्स्ट ईयर, 6 इन सेकेंड ईयर, 8 इन थर्ड ईयर, 18 पेपर मैथ्स के पढ़ने के बाद लगा कि ये कुछ नहीं हो, बेकार है. तो सब्जेक्ट लॉ के बारे में जनरल नोशन ही बड़ा अजीब सा है, लोगों ने क्या फैला रखा है लॉ के बारे में कि ये थ्योरी है ये वो, इट्स नॉट लाइक दैट. अच्छा एक चीज बताओ मैक्सिमम बच्चे क्यों, और दूसरी बात इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ यू शुड ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग द राइट लैंग्वेज. अच्छा आपकी लैंग्वेज अगर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहां पर सारी बात कन्वे करना है, वाई हाउ बाय राइटिंग द लैंग्वेज, लेजिस्लेशन ने सो भी आपको नियम कायदे कानून बनाया कैसे, बाय राइटिंग द लैंग्वेज. बट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट गुड एट लैंग्वेज व्हाट हैपेंस,
आई कैन नॉट बी रियली गुड इन लॉ सब्जेक्ट्स या आई कैन नॉट बी गुड लॉयर अ गुड कंपनी सेक्रेटरी आई कैन नॉट. मैं तो हमेशा बोलता हूँ सीएस इज लॉ प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन लीगल प्रोफेशन. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एलएलबी एंड द सीएसए, एलएलबी इज जनरल लॉ कोर्स. अच्छा एलएलबी मास्टर डिग्री है या ग्रेजुएशन डिग्री है? ग्रेजुएशन डिग्री, उसका एलएलएम होता है, ये मास्टर डिग्री है एंड स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉस. अच्छा ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे किसके हैं? कॉर्पोरेट लॉस के, कंपनी लॉ है, कैपिटल मार्केट है, कॉर्पोरेट लॉ है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉमर्शियल बिजनेस लॉ, सब कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड है. ये एक पेपर जनरल, इस पेपर के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स 100 नंबर के पेपर होते हैं इन द एलएलबी. जुरिस्प्रूडेंस का एक पेपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होगा, इंटरप्रिटेशन का एक पेपर होगा. यहाँ 17 चैप्टर है, 17 वहां 1700 नंबर के पेपर है, वो दैट्स अ जनरल एंड हियर वी आर मोर स्पेसिफिक. ये लॉ कोर्स बेसिकली सीज़ अ लॉ कोर्स, बट क्वेश्चन डिफरेंस इज दैट वी आर स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ एंड वहां ध्यान दें. मैं इस चीज से बता रहा हूँ, यू शुड नो ऑल दिस थिंग एंड यू शुड पे अटेंशन दीज आस्पेक्ट. नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि प्रोफेशन में डिमांड यही है. अगर आप लॉ में बहुत अच्छे हैं, कॉर्पोरेट लॉ में बहुत अच्छे हैं, देन यू आर पिक्ड बाय द इंडस्ट्री, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, ओहदा मिलता है. लेकिन अगर आप लॉ में अच्छे नहीं है एंड चाहे आप कुछ भी बोलते रहिए, आपको अल्टीमेटली इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. जिस बहुत लोग बोलेंगे सर उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अच्छा ये नहीं मिल रहा, रीजन एक्चुअली दे आर नॉट पेइंग अटेंशन कि क्या कैसे करना है, कहां पे हमें ध्यान देना चाहिए. और बच्चों से ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स वो भी मिसगाइड करते हैं. अच्छा अकाउंट पढ़ा टीचर तुमने ना, यहां जो अकाउंट भी पढ़ा रहा है टीचर, टैक्स भी पढ़ा, वो भी ये बोलेगा कॉर्पोरेट लॉ इज मेजर सब्जेक्ट. पुनीत सर यहाँ पढ़ाते, पुनीत सर बोलते होंगे सर ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है टैक्स कॉस्टिंग, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ स्पेशली कंपनी लॉ. लेकिन बाकी जगह जो खाली अकाउंट से पढ़ा रहे हैं बाकी उनको मतलब नहीं है, यही पढ़ो. क्वेश्चन ही आपका वो डोमेन नहीं है, मेन डोमेन आपका क्या? कॉर्पोरेट, वो भी पढ़ना है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग, बट क्वेश्चन फोकस कहां पे है? कॉर्पोरेट लॉ. एनीवे तो आइडिया लगा सब, इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है, रूल्स क्यों जरूरी है, बिना प्रिंसिपल रूल से क्या समझ हो गया? और मैंने एक छोटी सी बात मैंने बताई, मेरी बात आज तक पहुंची क्यों? कि मैं जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं वही प्रिंसिपल आप फॉलो करो, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो मेरी बात आप तक जा रही. सेम लेजिस्लेचर ने क्या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लॉ बनाया, वो प्रिंसिपल अगर आप जानते हैं उसको अप्लाई करके आप इंटरप्रेट करते हैं, डोंट यू आर रीडिंग द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर प्रॉपरली? अदरवाइज यू नॉट बी एबल टू रीड. मैं हमेशा बोलता हूं सही इंटरप्रिटेशन ये स्टार्ट रीडिंग द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर. उन्होंने क्या सोच के लॉ बनाया, क्या बातें, क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स, अगर आप वहां तक पहुंच गए यू आर डूइंग द वेरी गुड इंटरप्रिटेशन एंड दैट्स वेरी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये जरूर आना चाहिए. उसके लिए पूरा एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, वो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का चैप्टर है, वहां पर सारे प्रिंसिपल्स रूल डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस पेपर दैट इज जनरल लॉज. See, in this paper, we have 17 chapters. Out of that, you can say that one chapter, that is chapter number one, that is relating to jurisprudence. लेकिन मैंने बताया चैप्टर वन में बाद में पढ़ाऊंगा. आई बिलीव चैप्टर नंबर 3 इज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. मैं श्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो मैंने अभी डिस्कस किया चैप्टर 3, ओनली वन चैप्टर जहां रूल्स प्रिंसिपल सारे हम पढ़ेंगे. अपने जो बच्चे कंपनी लॉ याद है, कंपनी लॉ बीच में नॉट विथ स्टैंडिंग आता है तो उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें मैं बताऊं यहाँ पे. रूल्स प्रिंसिपल्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेज यूज होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, हाउ टू इंटरप्रेट एंड इट. याद है सेक्शन 2 पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब बेसिकली वो सारी बातें चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लॉ को इंटरप्रेट करने में हमें अप्लाई करना है. एंड द रिमेनिंग चैप्टर अपार्ट फ्रॉम चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर्स दैट इज 15 चैप्टर्स they are basically pertaining to general laws. तो अलग अलग chapter में अलग अलग general laws है, there is not one general law, so many general laws are there. तो कह सकते हैं major part of this paper is general laws. So 15 chapters out of 17 are pertaining to general laws, one chapter is relating to jurisprudence, उसका ना chapter का नाम sources of law, उसी के अंदर आपको jurisprudence दे रखा है. As there is no chapter named as jurisprudence. And chapter number 3 is interpretation of statutes, and remaining chapter that is our 2
and then chapter number 4 to 17. Total 15 chapters, they are relating to general laws. General laws ka matlab kya dekhi? Laws which are applicable generally and help us in understanding the specific laws in a better manner. Laws which are generally, which are applicable generally and help us in understanding the specific laws in a better manner. Jurisprudence, sare laws ko help karta samajhne mein better. Interpretation, abhi maine bataya, uske bina, har law aap interpret karenge, ultimately interpretation ka principle use karne. General laws, these are the applicable generally. Main ek chota sa example deta, you will get more and better understanding. Example, the Indian Contract Act is a general law. The nature of the Indian Contract, kya nature hai? A general law related to contract. General law ka matlab kya hota? Kabhi bhi, koi bhi contract ki baat karenge, koi law lage na lage, Indian contract jarur lage. General ka matlab, isliye bolte hain, jahan ko wo cheez general hota hai, uska scope narrow hota hai, wide hota hai? Wide hota hai. जनरल कोई चीज अगर है तो उसका स्कोप हमेशा वाइड, वो ज्यादा अप्लाई होता है. तब मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज जनरल और रिलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस व्हाट? दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एवर द लॉ मे और मे नॉट अप्लाई, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई. मैं अगर मान लिया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, मैं अगर लीज डीड की बात करता बिटवीन द लेसर एंड द लेसी, लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, मैं आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं बिटवीन द टू और मोर पार्टीज, क्या इन सब पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा? अब जब आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो आर्बिट्रेशन के लिए एक अलग से भी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, वो भी आपके इसी पेपर में सिलेबस में. तो क्या उसमें क्या इन एडिशन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्या लगेगा? आर्बिट्रेशन. लेकिन ये नहीं कि आर्बिट्रेशन एक्ट लगने का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया, दोनों लगेंगे. क्यों? आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, जनरल लॉ कौन सा लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो तो लगेगा साथ में, क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर arbitration contract called Arbitration and Conciliation Act 1996. That's why that law will also apply. अच्छा, अगर दोनों में contradiction हो जाए तो specific will prevail over general. एक्चुअली देखिए, खुश होकर देखो, general की important देखो, general लगेगा सब जगह, जब तक contradiction नहीं है general भी चलेगा specific भी चलेगा. लेकिन contradiction होने पर importance किसकी ज्यादा होगी? specific की ज्यादा important, क्योंकि specifically सिर्फ उसी contract के लिए बना है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेंट ओनली फॉर आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लॉ इज ओनली फॉर आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑब्वियसली इसकी दोनों लगेंगे, जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो क्या होगा? स्पेसिफिक वेल ओवर. जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और इन राइटिंग पढ़ा होगा, सब ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, बट आर्बिट्रेशन एक्ट से द आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग ओनली. कॉन्ट्रडिक्शन हो गई यहां पे, हो गई इधर. क्या आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम ओरल बना सकते हैं? नो. व्हाई? बिकॉज स्पेसिफिक लॉ इज प्रिवेलिंग. स्पेसिफिक लॉ क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट. वो बोलता है कि सर इट हैज टू बी इन राइटिंग. इसका मतलब ये प्रिवेल कर गया. लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती तो क्या होता? दोनों चलते, दोनों ही चलते हैं. लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होने पर इफ अब एक चीज में आपको कुछ नहीं, कॉमन सेंस की बात करूं, एक बंदे ने आप मेरे से, एक बंदा मिलने आया जिसने पहले से टाइम लेके स्पेसिफिकली मेरे से मिल लिया और उसे कोई काम नहीं, स्पेशली ट्रेवल 20 किलोमीटर स्कीम टू मीट मी एंड टेकिंग द प्रायर अपॉइंटमेंट एवरीथिंग, क्लियर. चांस के बाद उसी समय एक बंदा और आ गया, बोला यार मैं इधर से जा रहा था, कुछ मुझे काम थे यहां पे, मैं जो आपको भी मिलता तू. अच्छा, हैज द अदर पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन ए जो प्रायर अपॉइंटमेंट है, अनदर पर्सन बी, हैज द अदर पर्सन बी केम स्पेसिफिकली टू मीट मी और सम अदर पर्पज, एंड साथ में चलो ये भी मिल, इधर से जा रहा, चलो मैं मिल भी लेता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मैं एक ही बंदे को इंटरटेन कर सकता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, दोनों एक साथ ही आ गए, किसको मुझे इंटरटेन करना चाहिए? क्यों? आंसर मिल गया.
आंसर मिल गया। कुछ नहीं, कॉमन सेंस की बातें होती हैं। अप्लाई योर ब्रेन्स। ऑब्वियसली जो बंदा मेरे से स्पेसिफिक टाइम लेके आया, मैं उसको इंटरटेन, मेरे पास एक ही बंदे को मैं दोनों को इंटरटेन कर ही नहीं पाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं उसे इंटरटेन, स्पेसिफिकली मेरे से मिलने आया, टाइम लेके आया, मैं उसे इंपॉर्टेंस दूंगा। वायल कितने इंपॉर्टेंट अदर पर्सन, भाई साहब अगर टाइम होता तो जरूर इंटरटेन कर लेता, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं सॉरी है, इनको पहले से टाइम दे रखा है, यही बोलना पड़ेगा ना, दैट इज द राइट वे। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दोनों को इंटरटेन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, जब तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तब तक क्या होगा, जनरल भी चलेगा, स्पेसिफिक भी चलेगा। और जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्या होगा, स्पेसिफिक की इंपॉर्टेंस हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड दैट विल प्रिवेल ओवर द जनरल। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक है ना इसके पीछे। लोग बोलते लॉ में लॉजिक नहीं होता, रटने का होता है, मतलब समझ नहीं आता कैसे लोग बोल देते हैं, हाउ कैन यू रियली से दैट्स अ क्राइम, सब्जेक्ट ऑफ क्राइमिंग। बहुत लॉजिक है, हर चीज समझना पड़ता है, लेकिन उसके लिए दिमाग में जोर डालना पड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड की चीज कैसे है। और कुछ नहीं, कॉमन सेंस की बातें होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, चीज कैसे समझनी है। एनीवे, तो मैं व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि सब, जैसे एक इंडियन कॉन्टेक्ट मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे जनरल लॉज हैं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प। अच्छा, क्या वो स्पेसिफिक लॉज के साथ एड होते हैं? अभी जो आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, तो क्या वहां खाली आर्बिट्रेशन एक्ट ही लगाऊंगा, साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी लगाऊंगा? तो कैसे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की अगर मुझे समझ नहीं है, क्या मैं आर्बिट्रेशन एक्ट को सही ढंग समझ सकता हूं? नहीं, क्योंकि साथ में मुझे वो भी ऐड करना है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। इट मीन के जनरल लॉज विल, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज जनरल लॉ, वन ऑफ द जनरल लॉ, इस पेपर में नहीं है, वो किसी और पेपर कवर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द जनरल लॉ। यहाँ पे जनरल लॉ बहुत सारे जनरल लॉज होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे कवर किए हुए। ये जनरल लॉज के स्पेसिफिक लॉ को समझने में हेल्प करते हैं, क्या वहां एड ऑन करते हैं, ये सुनो कि वो साथ में वो भी लगेगा, तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जनरल लॉज हैज ऑल्सो अ रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक लॉ, साथ में वो भी चलाने पड़ते हैं। अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो ऑब्वियसली क्या हुआ, बट क्वेश्चन ये सब बातें तो बात की है, पहले तो मुझे जनरल लॉज की समझ होनी चाहिए, समझ ही नहीं है तो कैसे पता लगे क्या लगेगा, कैसे पता लगे कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं, ये तो बात की बात है, बट क्वेश्चन फर्स्ट आई नीड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट जनरल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वन ऑफ द जनरल मैंने 15 चैप्टर्स है देयर, और फर्दर चैप्टर के मतलब 15 जनरल लॉज आपके सिलेबस में है इस पेपर के अंदर। कुछ जनरल लॉज आपके मॉड्यूल 2 के अंदर, आपको मॉड्यूल 2 के अंदर पेपर इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चला गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दैट इज रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वो वहां चला गया। ठीक है, वो भी जनरल लॉज है, वो भी जनरल लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। एनीवे, देखिए ये अब मैं ना ये नहीं कि जनरल लॉ का मतलब मैं खाली इस चैप्टर, जनरल लॉ का मतलब क्या होता है, हाँ इस पेपर के अंदर 15 कवर्ड और भी इसके अलावा होते हैं, वो और किसी पेपर पर कहीं ना कहीं कवर्ड है। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग दैट ब्रॉडली किसी भी तरह के ऑफेंसेस होते हैं, क्या उसको ब्रॉडली हम दो पार्ट में, सिविल ऑफेंसेस जहां नॉर्मली सिर्फ फाइन वगैरह होता है, एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस जहां इम्प्रिजनमेंट की बात आती है। आई होप इतना समझते हैं सब लोग, सिविल ऑफेंसेस एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। कभी भी कोई सिविल ऑफेंस की बात करेंगे, वहां पे जनरल लॉ रिलेटिंग टू द सिविल मैटर्स क्या वो अप्लाई होगा? वेन एवर वी एट ओमले से दे चार्ज अगेंस्ट ही दैट ही हैज कमिटेड सम सिविल ऑफेंस, विल ही बी प्रोसिक्यूटेड, विल ही बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉज? तो सिविल लॉ में क्या जनरल तो लगेगा, लगेगा, और साथ में क्या अगर कोई स्पेसिफिक है तो वो भी लगेगा। तो जब जनरल स्पेसिफिक तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, मैं जनरल की बात करता हूं। एक लॉ पढ़ेंगे जो आपके इस पेपर के सिलेबस में है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वेरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अच्छा, लेट्स से सम पर्सन डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ही हैज वायलेटेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन बी पुट टू द सम काइंड ऑफ फाइन, ही मे बी इम्पोज सम फाइन, इज सिविल ऑफेंस। अगर मान लिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आई होप सबने नाम सुना आरओसी, आरओसी अगर मान लिया उस डायरेक्टर के इस कोर्ट में केस डालना चाहता है, क्या सिर्फ कंपनी के प्रोविजन फॉलो होंगे, साथ में इसके भी होंगे, इसके भी होंगे? तो क्या जनरल लॉ इट इज सपोर्टिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट? बिकॉज सिविल मैटर की बात करें, जनरल सिविल लॉ लगे, एंड जनरल लॉ रिलेटिंग टू सिविल मैटर कौन सा है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एंड दैट्स वाई वी शुड नो अबाउट दैट, क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि साहब क्या क्या लॉज और साथ में लगते हैं, वी कैन नॉट रियली एक्चुअली क्या पूरा लॉ को समझने के लिए बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी,
और सारी इंटर रिलेट होकर जाके कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लॉ आती है आपको, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी है, एंड ऐसे करके. ऐसे में क्रिमिनल की बात करता हूं. यहां पे एक नहीं दो लॉज हैं. दो क्यों है मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाएंगे. एक इंडियन पीनल कोड, ये भी टॉपिक पहली बार आपके सीएस में सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले कभी भी नहीं था, फर्स्ट टाइम. मतलब सीएस के सिलेबस में कभी भी इंडियन पीनल कोड सिलेबस में नहीं था. आईपीसी, शॉर्ट बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860. नंबर टू, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये शॉर्ट में सीआरपीसी बोलते हैं, क्योंकि देखो सीपीसी बोलोगे कंफ्यूजन हो जाएगी. समझ रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर को, इसको इसको सीपीसी बोलते हैं. क्रिमिनल में सी आर एक ले लेते हैं, आर स्मॉल में लिखते, देखो क्रिमिनल सी आर लिखने का तरीका है. क्रिमिनल प्रोसीजर को शॉर्ट में सीआरपीसी, तो दोनों को सीपीसी लिखो तो कंफ्यूजन है विच लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट. ये दोनों लॉ जनरल लॉ रिलेटेड क्रिमिनल मैटर्स. किसी भी लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट में किसी ने कुछ ऐसी चीज जिसके लिए जेल हो सकती है, इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस डालेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट प्लस दीज लॉस, इंडियन पीनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. ये सुनो, क्या ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जनरल लॉज हैं, क्रिमिनल मैटर्स रिलेटेड जनरल कौन सा, आईपीसी एंड दोनों लॉ रखते हैं. इसका रीजन बताऊं ऐसा क्यों किया गया. और यहां पे भी हैव ओनली वन लॉ दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड. दीज आर कॉल्ड जनरल लॉज एंड दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक लॉ एंड दे ऑलवेज अप्लाई. ऐसा नहीं खाली पढ़ने के लिए, वो अप्लाई होंगे अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक लॉज, अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक लॉज. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा. इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 302, इट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर. अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए, 302 में दे रखी है. कहां दे रखिए, सेक्शन 302. और सेक्शन 300 कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ मर्डर. ये मर्डर किसे कहते हैं, सेक्शन 300 में दे रखा है. और अगर कोई सेक्शन 300 में कवर हो जाता है, मतलब उसने मर्डर किया, जैसे ए इज कवर्ड अंडर सेक्शन 300 फॉर द मर्डर ऑफ बी, देन ही विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ सेक्शन 302. 302 में पेनल्टी दे रखी कि 300 में अगर आप फॉल करते हैं, 300 के अंदर क्या है मीनिंग ऑफ द टर्म मर्डर, देन इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी विल इम्पोज दैट गिवन टू सेक्शन 302. क्लियर. फिल्मों में देखना एक टिपिकल से एक सीन होता है कोर्ट्स में, मान लीजिए किसी ए के ऊपर बी के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और ए के अगेंस्ट लेट से कोई एक्स लॉयर है, वो प्रूव करने पर लगा हुआ कि सर ए हैज मर्डर्ड बी. अब मान लो लास्ट में प्रूव भी हो जाता है, देखना वो लास्ट में बोलेगा, जज को बोलेगा मैं आपसे अपील करता हूं कि दफा 302 सेक्शन, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ डायलॉग होता है, सेक्शन 302 ताजीदादे हिंद. ताजीदादे हिंद एक्चुअली उर्दू में बोल रहे हैं, इंडियन पीनल कोड को उर्दू बोलते हैं ताजीदादे हिंद. दफा 302 ताजीदादे हिंद के तहत इसे सजाए मौत दी जाए. एक्चुअली सेक्शन 302 कंटेन्स द पेनल्टी फॉर मर्डर एज अ डेथ पनिशमेंट. बोला ओन पॉसिबिलिटी, तो वो नॉर्मली देना फिल्म में दिखाते बोलते कि दफा 302 ताजी दादे हिंद, इसका इंडियन पीनल कोड दफा सेक्शन 302 के अंडर क्या हो जिसको डेथ पेनल्टी दिया है, तो एक्चुअली उसी की बात कर रहा है. बहुत देखो क्या होता है, चीज रिलेट करो तो बोले क्या क्या चीजें होती है हमें पता ही नहीं है. अच्छा डायलॉग सुनते आए पता नहीं बचपन से कितनी बार फिल्मों में, पता नहीं क्या बोला, पर यह समझ में आ रहा है कि साहब उसको क्या डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहा है, बट वो एक्चुअली बोल कह रहा दफा 302 का मतलब सेक्शन 302. बहुत चीजें हैं. अच्छा आम जिंदगी में जो भी आदमी चीटिंग वीटिंग करता है, नहीं बोलते 420 आदमी है, बोलते हैं बोलते 420 आदमी है. एक्चुअली सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद चीटिंग, तो वहां से बनाए 420. सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इट कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ चीटिंग. चीटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, इसलिए आम भाषा में 420 आदमी है, 420 ही करता है, ठीक है. एक बंदे का मकान नंबर 420 था, किसी को बताने में शर्म आती थी, बोला कहां रहते हो, 419 के बगल में, 420 बोलने में शर्म आ रही, 420 नंबर मकान है बताओ. एनीवे मतलब चीजें, मतलब ये तो चलो ऑन अ लाइटर साइड ऑफ द लेकिन पर चीज इसमें भी एक चीज पता लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसे क्या एक्चुअली 302 क्या है. रुस्तम पिक्चर अभी आई थी ना, अच्छा रुस्तम पिक्चर में एक्चुअली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या प्रूव करने के होता है कि अक्षय कुमार ही हैज मर्डर्ड, ये सुनो, एंड वो सेक्शन 302 की डिमांड करता है कि 302 के अंदर इसको सजाए मौत हो, सेक्शन 300 में कवर करने की कोशिश करता है.
एक सेक्शन था 299 जस्ट उससे पहले, उसको बोलते कल्पेबल होमिसाइड, उसका मतलब कि मेरे से गलती से किसी की डेथ हो गई, मैं इंटेंशनली उसको मारना नहीं चाहता था, अगर ऐसा है तो उसके अंदर ना के बराबर सजा होती है। एंड जो बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, 300 से 299 उसमें केस फिल्म में तो ये होता है। अच्छा अक्षय कुमार क्या डिनाई करता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, वो तो मानता कि मेरे से मारा है, लेकिन ही सेड इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, मेन तो बात ये होती है कि सर इट वॉज इन बेसिकली हीट ऑफ अ मोमेंट कि उसने मेरे को अटैक किया, मैंने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, फायरिंग कर दी, ठीक है। यही तो भाई मना थोड़ी करता कि मैंने मारा नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि सर ही हैड नॉट डन प्लान दैट, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो लॉयर होता है जो प्रूव करने के लिए मतलब प्लान करके गया था बंदा कि इसे मर्डर करना है, अगर प्लान प्रूव हो जाए तो सेक्शन 302 में पनिशमेंट होगी, अगर प्लान नहीं है तो क्या होगा, इन दैट केस छोटी मोटी 2-4-6 महीने की सजा होती है। कितना फर्क है, ह्यूज डिफरेंस इज देयर। बोलते लॉ में पढ़ो तो समझो, मूवीज भी आप देखते ना, मूवीज को भी सही ढंग समझ, जहां लीगल एंगल्स इन्वॉल्व है बहुत आपको लगे एक्चुअली क्या लॉ। और जो इस तरह की मूवी जैसे रुस्तम है, आपको आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, रुस्तम जो मूवी बनी थी एक बहुत फेमस केस है, केएम नानावटी केस, एंड केएम नानावटी वाज अ नेवल ऑफिसर, वही कैरेक्टर अक्षय कुमार ने पोर्ट्रे किया सर, केएम नानावटी, एंड बहुत फेमस केस है, क्रिमिनल लॉ जो पढ़ाया जाता है एलएलबी के अंदर, केएम नानावटी केस जरूर पढ़ाया जाता है, एंड उसी केस बेसिक फिल्म बनाई। तो ऐसी फिल्म में क्या था, एकदम एक्चुअल फैक्ट्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि उसको डिस्टॉर्ट कर दो पूरा मूवी बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल एक्चुअली उसके अंदर देखो ना, उसने गाने माने ऐसा बहुत कम, ना के बराबर होता है ना, पिक्चर में बीच मसाला डाल दिया, ठीक है, वो सब नहीं है, इट्स एक्चुअली ऑन ट्रू स्टोरी। उसके बेस उसमें आप पढ़ो, समझने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स अंडरस्टैंडिंग लॉ, तो पूरा कोर्ट सीन्स आप देखो, सेकंड हाफ ऑफ द मूवी तो पूरी क्या कोर्ट सीन्स है। एनीवे, सो दीज आर कह सकते हैं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, व्हाट आर दे, जनरल लॉज, सीपीसी जनरल और रिलेटिव सिविल मैटर, आईपीसी एंड सीआरपीसी जनरल और रिलेटिव क्रिमिनल मैटर। जहां भी सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर की बात आएगी तो ये लॉ जरूर लगेंगे, सिविल होगा तो सीपीसी, क्रिमिनल होगा तो आईपीसी एंड सीआरपीसी, ये जरूर लगेंगे। और मैं एग्जाम्पल देता हूं, अच्छा बताइए, जो हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कह रहे हैं सर, इट्स अ मदर ऑफ ऑल लॉज, कैन एनी लॉ हैव एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉसिबल है? तो क्या अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, तो क्या ये चीजें मुझे अदर लॉज को हेल्प करेगी समझने में? एकदम, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल लॉ। इसे एक चीज कहा जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है, आप किसी भी लॉ को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, स्कूल में जब आप थे क्या आपने कोई लॉ पढ़ा था? लेकिन आपने एक पेपर पढ़ा सोशल स्टडीज, उसके अंदर एक पोर्शन था सिविक्स, उसमें क्या पढ़ते हो आप? बोले सर डेमोक्रेसी फंडामेंटल, वो कंसेप्ट कहां दे रखे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव सो मेनी फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी, फ्रीडम, कहां दे रखे, यहां दे रखे हैं, स्कूल में पढ़ा दिए जाते हैं। क्यों पढ़ा, उसका रीजन है, कहा जाता है व्हेन यू लिव इन अ कंट्री, बोलते हैं यू शुड नो द बेसिक द लीगल फ्रेमवर्क बाय विच द कंट्री बीइंग गवर्न्ड, एंड वो बेसिक लीगल फ्रेम कहां देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हर कंट्री का अपना एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए बोले कि हमारे देश के संविधान की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस देश के अंदर कुछ भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट होता है इलीगल है, उसके लिए फिर सजा होगी, पनिशमेंट होगी, ऑल दैट, बट इफ एनीथिंग इज हैपनिंग लीगल इट विल बी डेफिनेटली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। तो डोंट यू थिंक आप जिस देश में रहते हैं क्या उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? इवन बोलते हैं एक बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इस देश में आप रह रहे हैं क्या, इस दिन से नियम कायदे कानून मानना आपका काम है, ये सुनो, और सारे नियम कायदे कानून कहां से एमिनेट हो रहे हैं, ओरिजिन कहां से हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, मदर ऑफ ऑल लॉज। इसलिए अच्छा देख, 10th तक एजुकेशन कॉमन होती है, क्यों कॉमन होती है, वी एक्सपेक्ट दैट एवरी वन इरेस्पेक्टिव ऑफ द करियर ऑफ द फील्ड यू चूज यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। आप बाद में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, लॉयर बने, कुछ भी बने, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए, इसीलिए पहले पढ़ा दिया था। हर चीज का जो लॉजिक है सिविक्स पहले को, कारण ये बेसिक है, वहां तो कंपनी लॉ और ये सब नहीं पढ़ा रहे ना,
तो वो चाहे आपके अगर लीगल फील्ड में जाना अलग बात है, बट क्वेश्चन सिविक्स में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए पढ़ा दिया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। अब सो ये चीज आपको डिटेल में आपके यहाँ पे चैप्टर में, आई थिंक सेकंड चैप्टर ऑफ दिस पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, काफी हम टाइम ही लगाएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं यही चैप्टर स्टार्ट करूँ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू टेक 7-8 क्लासेस ऑन दिस चैप्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे आपको क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ लो तो उसका एप्लीकेशन जगह जगह आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, बहुत चीजें मेट्रो है, मेट्रो के अंदर तुम देखोगे फीमेल्स के लिए अलग से एक डब्बा होता है, होता है नॉर्मली आई थिंक फर्स्ट कोच रिजर्व फॉर फीमेल्स। कभी ऐसा देखा है साहब पुरुषों के लिए कोई डब्बा रिजर्व है? देखा कभी ऐसा? क्यों आस्किंग क्वेश्चन? द आइडिया इज लॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोवाइडेड वी नो इट करेक्टली इन अ राइट मैनर और उसको अप्लाई करें। ये नहीं मैंने पढ़ लिया, प्रैक्टिकल सबका सब यूज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी डोंट हैव सेक्शन, वी हैव आर्टिकल्स। वहां पे जो मदर ऑफ ऑल लॉज की नंबरिंग अलग था, आर्टिकल आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन नहीं आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स आते हैं। मतलब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 395 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है कि सब फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए चिल्ड्रेन देश की संसद स्पेशल लॉ बना सकती है उनको बेनिफिट देने के लिए। क्या स्पेशल है? स्पेशल ट्रीटमेंट है कि आपके लिए? अच्छा कि बाकी डब्बों में क्या फीमेल्स की एंट्री क्या प्रोहिबिटेड होती है? नो, तो वहां तो आप बराबर हैं और ये अलग से भी आपके लिए है। अच्छा कहीं भी देश का संविधान ये नहीं बोलता कि साहब मेल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, दैट्स व्हाई ऐसा नहीं होता। अच्छा कभी सुना इनकम टैक्स? अभी तो नहीं है, किसी जमाने में आपने कभी कभी अपने टैक्स टीचर से पूछना, जैसे एक होता ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम एग्जेम्प्टेड होती है उस पर टैक्स नहीं, उसके बाद शुरू होता है, होता ना? तो पहले एक स्टेट अभी तो आई थिंक सेम कर रखा मेल फीमेल की, एक समय था जब फीमेल की ज्यादा एग्जेम्प्टेड थी मेल की कम थी। कभी उल्टा नहीं मिलेगा कि मेल की ज्यादा एग्जेम्प्टेड और फीमेल की कम एग्जेम्प्टेड, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? हमारा देश का संविधान क्या बोलता है? फीमेल को स्पेशल आप बेनिफिट दे सकते हैं। अच्छा कभी देखते हो एक सर्टेन एज से कम बच्चों की, बच्चे की एज होती है हाफ टिकट होती है, ये टिकट ही नहीं होती। क्या ये आर्टिकल 15 से डिराइव्ड है? यस और नो? कहां से डिराइव्ड है? आर्टिकल 15। मतलब हर चीज देश में मतलब पत्ता भी हिल रहा है तो लीगल, अगर है लीगल तरीके से हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका रिलेशन किसके साथ है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो रिलेशन किसके साथ है? और सोच के अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इन अ प्रॉपर मैनर कि यह क्यों है, ऐसा क्यों है। अच्छा सब लोग हंस तो देते हैं, अरे यार ऐसा थोड़ी होता कि पुरुषों के लिए डब्बा रिजर्व होता, बट क्वेश्चन ही कोई पूछते बोले कि सर ऐसा क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता? और सवाल उठता है क्यों नहीं, क्योंकि देश का संविधान इस बात की इजाजत, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इससे पूरा कंट्री गवर्न हो रहा है, कोई भी चीज देश के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ऐसा देखने को मिलता है, कहीं भी देख लीजिए उठा के आप देखना कि फीमेल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट है, कहीं भी मेल, कई जगह जैसे दिल्ली में तुम देखोगे, ये सुना तुमने कि अगर कोई प्रॉपर्टी है मेल के नाम रजिस्ट्री कराओ स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है, फीमेल के नाम कराओ कम है, कभी उल्टा नहीं मिलेगा फीमेल के नाम में ज्यादा है, फिर वही किससे रिलेट करोगे? आर्टिकल 50। तो इसका तो प्रैक्टिकल साइड हमें पता लगती है, अल्टीमेटली देश का संविधान कुछ बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही है। अच्छा कई बार इनकम टैक्स में पढ़ाए कि साहब कुछ एरियाज के अंदर आपकी टैक्स हॉलीडेज होता है, टैक्स हॉलीडे छुट्टी नहीं, कौन सा टैक्स हॉलीडे? कब सुना है टैक्स हॉलीडे? टैक्स हॉलीडे का मतलब है कि साहब कुछ साल तक आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज मीनिंग ऑफ द टर्म हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे। सुना है टर्म? अच्छा सुना है कुछ कुछ एरियाज में? अच्छा उत्तराखंड जो नया स्टेट है, उत्तराखंड नया स्टेट है ना, क्या हो गया? तो मतलब सर उत्तराखंड नया स्टेट, हम तो काफी टाइम सुन रहे हैं, काफी टाइम कितने हैं, 5, 7, 10 साल यही हुए ना। एक बार जब पार्ट ऑफ यूपी, उससे अलग स्टेट हुआ उत्तराखंड, ठीक है। एक बच्चा था उससे बताओ तू कहां से आयो, तुम कहां से आओ, बाहर से आता है, आई एम फ्रॉम यूके। यूके सर? सर उत्तराखंड। एनीवे तो एक्चुअली उत्तराखंड जो नया स्टेट है, अगर आप समझते हो उत्तराखंड के अंदर क्या सारा हिली एरिया ज्यादा आ गया, और यूपी के अंदर जितना भी आपको इंडस्ट्रियल एरिया था वो सब यूपी में रह गया, ये कानपुर का जो एरिया है वो सारा एरिया का, एंड इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी उत्तराखंड के पास नहीं गया। तो क्या उत्तराखंड के अंदर कैसे थे इंडस्ट्री नहीं रही? लेकिन क्या अब जब नया अलग स्टेट बन गया तो क्या उसको अपने स्टेट की इकोनॉमी भी देखनी? उसके लिए आप सुना होगा उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर करके एक जगह डेवलप की जा रही है, अब वहां पे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं वहां बिजनेस करते हैं तो सर्टेन ईयर्स आपकी जो इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स हॉलीडेज आते हैं। अब अच्छा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रमोट करेगी साहब, जिससे कि लोग क्या करें, इनकरेज होंगे, वहां आएंगे एंड बिजनेस करेंगे, धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप होगी। अच्छा, लेकिन ऐसा अगर मान ली इनकम टैक्स में बोलते हैं कुछ साल इनकम लगाए, तो क्या इनकम टैक्स कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, इधर कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में देना एक हम कैसे पढ़ेंगे कि साहब दे कैन बी डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन इफ दे आर सिचुएशन आर डिफरेंट। अच्छा, क्या सिचुएशन अलग है, वो नया स्टेट बन गया, उसके लिए हम डिफरेंट कर सकते हैं? तो देश के संविधान में आर्टिकल 14 में परमिशन, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। अगर परमिशन ही हो स्टेट आर्टिकल 14 के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, मतलब अल्टीमेट यू हैव टू रिलेट। तो आपको समझ में आ गया, एक तो ये हो गया, रट लिया आपने कि रुद्रपुर में ऐसा होता है, असम में ऐसा होता है। सुनाओ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं वहां गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है। अब क्योंकि वहां पे इकोनॉमी डेवलप ही नहीं है, वो एरियाज आप जाओगे देखो बहुत जगह तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट क्यों दे रही है? अल्टीमेटली वो डिफरेंट है एंड हमारे देश का संविधान बोलता है अगर कोई चीज डिफरेंट है तो उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं। अब ये देश का संविधान अलाउ कर रहा तब तो ऐसा हो रहा है। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग अ ब्रॉड आइडिया कि सब कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होना कितनी इंपॉर्टेंट बात। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, आप कोई भी लॉ पढ़ते हो, जितना कई बार होता है कि साहब एक स्टेज तक किसी मैटर में अपील होती है, उसका अपील अलाउड नहीं होती, लिखा था इसके फर्दर नो अपील। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 136 दैट इज अ स्पेशल लीव पिटीशन, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को लगती है। सब पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में आपको, ठीक है? आज का पर्पज, आज की क्लास का पर्पज सिर्फ यही है कि टू रियलाइज कि साहब ये सब चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये सब चीजों का रिलेवेंस है अंडरस्टैंडिंग द अदर लॉज। आर्टिकल 136 बोलता है कि सर अगर किसी तरह की रेमेडी आपको चाहिए और आपको लगता है कि आपने सारे रेमेडीज के स्कोप आपके एग्जॉस्ट हो गए हैं, फिर भी आपको रेमेडी मिली नहीं, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आप आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए, आप उस लॉ के अकॉर्डिंग बोले नो फर्दर अपील, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकती है? हो सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136, वो डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं है तो मैं तो बोलता हूँ कोई फर्दर अपील नहीं, हमें उस एक्ट के हिसाब से फर्दर अपील नहीं हो सकती, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। बट इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, क्या होगा? मैं तो यही बोलूंगा, एक बार यही हुआ था, क्या हुआ, ये मैंने किसी बच्चे को आर्टिकल 130 जैसे आप लोग पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल 130 अभी तो मैंने खाली नाम बताया, डिटेल में पढ़ाया था उस बच्चे को, वो टैक्स किसी और टीचर से पढ़ता था, ऑब्वियसली टैक्स इज नॉट माय डोमेन, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। तो टैक्स के टीचर ने बोला कि साहब इसमें फर्दर अपील नहीं होगी किसी प्रोविजन में, होता कैसे होता था, नो फर्दर अपील एंड ऑल के। उस बच्चे ने बोला सर यहां नहीं हो सकती, लेकिन आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंगली हो सकती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टीचर वाज नॉट अवेयर अबाउट द आर्टिकल 136, को पता ही नहीं था क्या है, टैक्स पढ़ा रहा, टैक्स विद द लॉ, ये टैक्सेशन लॉज, पता नहीं था, बोले नहीं नहीं हो सकती। बाद में बच्चे ने आपको मुझे बताया, मैंने बताया आपको आप आर्टिकल 1 खोल के दिखाना उनको। अब हो गया रहा है, क्योंकि आप खाली टैक्स ही जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लॉ मैंने कहा कोई भी लॉ पढ़िए, अल्टीमेटली जनरल लॉज, जुरिसप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना, मैंने क्या बोला, पहला पेपर पहले मॉड्यूल में मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत टाइम से मैं सोचता था कि ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद बाकी लॉज पढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से समझ आता है, और इन्होंने आज तक ऐसा किया नहीं था। बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया कि साहब इट विल डेफिनेटली हेल्प अंडरस्टैंडिंग द अदर। आपके सामने देख ली, अब मैं बोलूंगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फर्दर अपील पॉसिबल नहीं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देख, कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रिवेल ओवर एनी एक्ट और नॉट, यस इट्स अ मदर ऑफ ऑल लॉज, एंड जा भी किसके पास जा रहे हैं, टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट। अब उसके पीछे लॉजिक है, मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं, कैसे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आप चाहे कितने भी कोर्ट में चले गए लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक मौका और दे सकता है इन ऑर्डर टू डू द जस्टिस? इस कारण से आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखती है। लॉजिक बिहाइंड दैट, भले आप सब जगह चले गए लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री को लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ एंड आप चाहे कितने ही कोर्ट में चले गए, तो क्या उसे एक मौका और देना चाहिए बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री? यस नो? एंड दैट इज द फिलोसफी बिहाइंड आर्टिकल 136 स्पेशली पिटीशन। अच्छा, उसका मतलब उसमें पिटीशन जब लगती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि अच्छा क्या पुराने सारे पेपर लगाने पड़ेंगे, क्या क्या हुआ, आप कहां कहां गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हर कोर्ट की एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में एक बैकएंड ऑफिस होता है। अच्छा तो आप क्लास में आए, यहां इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, तो डायरेक्टली पढ़ने आ गए या पहले रिसेप्शन में इंटरेक्ट किया, पूछा, समझा, एडमिशन लिया, व्हाटएवर। तो कहते वो मेरा बैकएंड ऑफिस है जो मुझे मेरे काम को हेल्प करता है इन डूइंग माय वर्क, वो काम मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली हर कोर्ट का भी एक बैकएंड ऑफिस होता है, उसे रजिस्ट्री बोलते हैं।
तो क्या होता है जब स्पेशली पिटीशन लगती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है वहां भी नॉलेजेबल लोग बैठते हैं, वो लोग पहले चेक करते हैं कि क्या आपके साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि सारे पेपर साथ में लगेंगे। उनको लगता है कि जस्टिस हो चुका ऑलरेडी, आप अननेसेसरी टाइम खराब करें तो रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन उनको लगता है कि नहीं आपको एक मौका और मिलना चाहिए, क्या इंटरटेन हो जाएगी और आपकी बात सुनी जाएगी एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो दैट्स आइडिया, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड फिलॉसफी बिहाइंड कि भाई अगर जस्टिस नहीं हुआ चाहे आप कितने ही कोर्ट में चले गए, क्या एक मौका और मिलना चाहिए। दैट्स उसके लिए स्पेशल लीव का मतलब परमिशन, विद अ स्पेशल परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आपका केस सुना जाएगा और आपको जो भी प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए वो मिलेगा एंड उसके लिए आर्टिकल 130। अब क्वेश्चन ही मुझे पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 130 क्या चीज है पता ही नहीं, क्या समझ आया, कुछ भी समझ आया। इज दैट ओके विद एवरीवन, इज दैट क्लियर? तो दैट इज वन ऑफ द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन जनरल लॉ, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन जनरल लॉ। जो 15 चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक आरटीए सुनते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी आपके सिलेबस में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आज कहते हैं हर जगह बोलते हैं साहब मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीए के अंदर अप्लाई का एप्लीकेशन लगा के ये इन्फॉर्मेशन निकाली एंड ऑल दैट, ठीक है। इस तरह की बहुत चीजें इस पेपर के अंदर आपने कई लॉ में पढ़ा होगा, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सो एंड सो बॉडी कैन बी मेड विद इन 30 डेज, हाउएवर द अथॉरिटी में अलाउ एक्सटेंशन ऑफ नेक्स्ट 30 डेज और नेक्स्ट 15 डेज। पढ़ते हो सर, एक्चुअली ये बात लिमिटेशन एक्ट से निकल के आती है, कहां से निकल जाती है, लिमिटेशन एक्ट आपके सिलेबस में, आपके इस पेपर के अंदर, मतलब है ना जनरल लॉ से बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मैं एक और छोटा एग्जांपल देता हूं, अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाते हो टीचर्स कि आपका ट्रेड डेटर है, ट्रेड डेटर का मतलब यू हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, ट्रेड डेटर का भी बनता है ना, यू हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर ड्यू डेट आ गई उसमें पेमेंट आएगी, 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया, पढ़ते हो अकाउंट से टीचर पढ़ाते होंगे, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, सुना तो होगा अकाउंट से टीचर पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये बात कहीं अकाउंट्स में नहीं लिखी, लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई है, एक एक्ट लिमिटेशन एक्ट में पढ़ाऊंगा इसी पेपर में, आपको सेवन में, वो ये बोलता है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर सर्टेन रेमेडी यू मस्ट अप्लाई फॉर द रेमेडी विद इन सर्टेन डिफाइंड टाइम, लिमिट है उसके बियॉन्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा इसको बोलते अच्छा इसके लिए क्या सूट फाइल करेगा टू रिकवर द डेट, रिकवरी जो सूट फाइल होती है टू रिकवर डेट उसके लिमिटेशन में 3 ईयर्स है, लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है, इसलिए टीचर वहां आपको बताया, वो अलग बात है कई टीचर को ये भी नहीं पता आया कहां से, उन्होंने याद कर रखा वो बताते रहते हैं। वो एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द लिमिटेशन एक्ट 97 सेज दैट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द रेमेडी फॉर एवर, यू कैन अप्लाई ओनली विद इन सर्टेन टाइम पीरियड, दे लिमिट ऑन दैट टाइम पीरियड, इसे नाम पड़ गया लिमिटेशन एक्ट, लिमिट। और रिकवरी सूट के लिए लिमिट क्या है 3 ईयर्स, अलग अलग रेमेडी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है, वो मैं बताऊंगा, पूरा चैप्टर है लिमिटेशन एक्ट 1963, वो भी एक आपको जनरल लॉज है, एज अ बहुत सारे सो मेनी जनरल लॉज आ दिए एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड बहुत सारी चीज मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। एंड आउट ऑफ ऑल द जनरल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने तो ये सबसे ज्यादा टाइम भी हम इसी के ऊपर लगाएंगे। एंड इसके अलावा और छोटे इंडियन एविडेंस एक्ट दिया, अच्छा सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर कोई भी हो, क्या एविडेंसेस का कंसेप्ट आएगा, अच्छा कोई किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोलता रहे क्या मान लिया जाता है, क्या एविडेंस प्रूव करता, एविडेंस किसे कहते हैं, किस तरह के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं, किस तरह के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना अलाउड नहीं है, एविडेंस कितने तरह के होते हैं, सारी बातें किसमें पड़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द जनरल लॉज। ओवरऑल मैंने बताया इसके अंदर 17 चैप्टर, वन इज रिलेटिंग टू दैट इज सोर्सेज ऑफ जुरिसप्रूडेंस, वन इज रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन एंड रिमेनिंग 15 चैप्टर्स आर जनरल लॉज। जनरल लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज मैं जनरल लॉ से स्टार्ट कर रहा हूं, 15 चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसी स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, इसमें सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं हमें बाकी और चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, हम अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं बाकी और चैप्टर से मतलब नहीं। मैं वहां एग्जाम्पल दे देकर अप्लाई करके बताऊं प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन सारे अलग अलग चैप्टर, नो इंटरकनेक्टिविटी, क्लियर, इसलिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ओवरऑल पेपर के बारे में बता दिया क्या चीज है, नेक्स्ट क्लास आपको मैंने वो एक सिंगल सीट तो बटवा दी, बाकी मैं पूरा मटेरियल दूंगा एंड अगली क्लास में स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो छोटी मोटी बात एक और, कुछ 17 चैप्टर्स मीन 17 टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, तो क्या एक्सपर्टाइज हो सकती है? अच्छा कंपनी लॉ का पेपर में क्या आप एक ही लॉ पढ़ेंगे, तो क्या वहां पर इन डेप्थ पढ़ेंगे? लेवल ऑफ नॉलेज क्या वर्किंग लेवल होना चाहिए, एक्सपर्ट लेवल, बट यहां के एक्सपर्ट लेवल हो सकता है? नो। इसलिए जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है, ये द लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड इज वर्किंग लेवल नॉलेज।
वर्किंग लेवल में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसमें मेन मेन चीजें हैं। अगर लिमिटेशन आपके सिलेबस है, लिमिटेशन के सारे प्रोविजन सिलेबस में नहीं, ओनली इम्पोर्टेंट सिलेबस ही उन्होंने वैसे बनाया। सिविल प्रोसीजर कोड अभी मैंने बताया, सिविल प्रोसीजर कोड लिमिटेशन के 100-100 नंबर के पेपर एलएलबी होते हैं, या ये उनका मेन एरिया है, हमारे मेन एरिया है। हमारा मेन एरिया क्या? कॉर्पोरेट लॉस। वहां कंपनी लॉ पूरा एक पेपर आ रखा, कैपिटल मार्केट अलग ऐसे पेपर आ रखे, ये वहां यही एक एक टॉपिक 100-100 नंबर के पेपर है, तो उनका वो मेन एरिया है। ठीक है, इसलिए वर्किंग लेवल उनको एक्सपर्ट लेवल चाहिए, हमें क्या चाहिए? वर्किंग लेवल। लेकिन जब कॉर्पोरेट लॉ की बात आती है वहां कुछ भी नहीं, यहां पे हमारे लिए वही मेन चीज है दैट लेवल ऑफ नॉलेज। लेकिन इसका मतलब जितना है वो अच्छे जाना चाहिए, लेकिन सारा कुछ नहीं आपके सिलेबस। टॉपिक जितने सेलेक्टेड प्रोविजन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन वही सिलेबस में है, एंड अकॉर्डिंग वी डिस्कस दैट। ठीक है, जहां तक पेपर पैटर्न की बात है, क्योंकि पेपर नया है, फर्स्ट एग्जाम दिसंबर होंगे, तो बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस उससे मैं बता सकता हूं कि ऐसा ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। एंड बाकी तो पेपर होने के बाद पता लग जाए, हो सकता है इंस्टीट्यूट पहले कोई गाइडेंस लेके आ जाए तो अलग बात है। आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं करेगा, पार्ट ए बी से तक कुछ नहीं, टोटल 17 चैप्टर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, आई बिलीव उसके साथ चॉइस होगी 2A, जो कंपनी लोग का पैटर्न आपको चल रहा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चॉइस होगी 3A, देन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। एंड ये हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स इंटू 5 80 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स का पहला, टोटल मेक्स 100 मार्क्स। और इस पेपर में एक चीज बताऊं, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे, जो कंपनी लॉ में आते हैं, एबीसी, राम श्याम मोहन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। इस 100 नंबर का पेपर ना दिया, जनरल लॉ में बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एंड विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट की साहब इस तरह का पेपर पैटर्न, क्योंकि इन्होंने पार्ट एबीसी ऐसा कुछ बनाने रखा। तो नॉर्मली और हर पेपर में आप जानते हैं 6 क्वेश्चन होते हैं, 2 च्वाइस होती है, बट च्वाइस यहाँ पे नॉर्मली 2 क्वेश्चन होगी, बाकी आप जानते हैं एक्सटर्नल च्वाइस होती नहीं कि आउट ऑफ 8 86 एंड समथिंग लाइक नॉट ऑफ। तो देखा 4 क्वेश्चन तो कंपल्सरी 1 4 5 6, यहाँ 2 हो सकता है 2 जगह, जैसे कंपनी लोग अभी पैटर्न चल रहा है, आई थिंक वही पैटर्न यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पेपर, वी स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। एंड किसी के कोई डाउट हो, कोई बात पूछना चाहते, एनी स्पेसिफिक क्वेरी कुछ भी आप तो पूछ सकते हैं।